जय श्री राम मित्रों, आज हम कठिन आसन करने के लिए वार्म अप सीखेंगे। कभी भी आप कठिन आसन करें उससे पहले वार्म अप करना अति आवश्यक है, मैं हमेशा कहता हूं। तो आज हम बैठ के वार्म अप करेंगे। वार्म अप आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी करेंगे। तो मैं कई प्रकार से बताया है, तो आज पहले हम करेंगे बैठ के। तो बैठ के आपने क्या करना है, आप नॉर्मल सुखासन में, सिद्धासन में या फिर पद्मासन में बैठ सकते हैं। बैठने के बाद आपने क्या करना है, पहले शोल्डर को रोटेट करना है लाइक दिस, लगभग 10 टाइम्स आप अपने शोल्डर को रोटेट करें, जिससे कि आपके शोल्डर में कोई खिंचाव ना आए ड्यूरिंग एडवांस योगा प्रैक्टिस। तो जब आप कठिन आसन करते हैं, एडवांस योगा करते हैं, तो आपको वार्म अप करना बहुत आवश्यक है। अब हम अपोजिट साइड घुमाएंगे, लगभग 10 to 20 टाइम आप क्लॉकवाइज घुमाएं फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारा फर्स्ट वेरिएशन है शोल्डर रोटेशन का। नेक्स्ट वेरिएशन अपने एल्बो टच करके लाइक दिस, ये आपने लगभग 10 to 20 टाइम क्लॉकवाइज घुमाना है, 10 to 20 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आप वार्म अप अच्छे से कर लेंगे, फिर आप देखेंगे आप कठिन आसनों को बहुत अच्छे से, बहुत सरलता से आप कर पाएंगे। अगर आप वार्म अप नहीं करेंगे तो आपके कहीं भी बॉडी में खिंचाव आ सकता है। तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जो कठिन आसन सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए हम हमेशा प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छे आसनों की, अच्छे से अच्छे योगाभ्यास की वीडियो बना के डालते रहे। ये हुआ हमारा शोल्डर रोटेशन। नेक्स्ट हम शोल्डर स्ट्रेचिंग करेंगे, अपने कलाई को आपस में पकड़ना है, इंटरलॉक योर रिस्ट टुगेदर, देन स्ट्रेच आर्म्स लेफ्ट एंड राइट साइड लाइक दिस। तो धीरे धीरे आपने अपने हाथों को खींचना नीचे की ओर, सांस को वर्तो खींचेंगे छोड़ते हुए वापस। इनहेल स्ट्रेच योर आर्म्स एंड एक्सहेल कम बैक, डू दिस प्रॉपरली बोथ साइड एंड डोंट मूव योर नेक्स। अपनी गर्दन को आपने मूव नहीं करना है, कुछ लोग नीचे कर लेते हैं, कुछ इधर उधर नहीं करना है, गर्दन आपकी फ्रंट में रहेगी, सामने की ओर रहेगी, केवल यू हैव टू मूव योर हैंड्स ओनली बैक साइड द नेक। गर्दन के पीछे अपने हाथों को इस प्रकार स्ट्रेच कर लें, तो आप देखेंगे आपका वार्म अप अच्छे से हो जाएगा। तो ये हमारे शोल्डर का वार्म अप हुआ, अब हम गर्दन का करेंगे। तो गर्दन का धीरे धीरे गर्दन को पीछे ले जाएं, धीरे धीरे आगे, श्वास को भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाना है, छोड़ते हुए आगे। इनहेल मूव योर नेक बैकवर्ड, एक्सहेल फॉरवर्ड। कभी कभार जो बिगिनर्स होते हैं उनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, हर किसी से होती हैं। कभी कभी क्या करते हैं कि हमने वार्म अप नहीं किया और कठिन आसन करने लगे तो हमारा खिंचाव आ जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स में, कभी थाइस पे, गर्दन में, कंधे पे, बैक में, तो हम लंबे समय तक फिर परेशान रहते हैं। किसी किसी को 15 दिन, महीने, 2 महीने, 3-3 महीने, 6-6 महीने भी हो जाते हैं खिंचाव आ जाए, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको रिकवर करना। अब हम गर्दन को ट्विस्ट करेंगे, इस प्रकार श्वास को भरते हुए ट्विस्ट करेंगे, छोड़ते हुए वापस। अभी मैं कुछ कठिन आसनों का अभ्यास करूंगा, वो दूसरी वीडियो बनाऊंगा। तो ये मैं केवल वार्म अप के लिए बना रहा हूं, क्योंकि काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो 2 टुकड़ों में मैंने ये वीडियो बनाऊंगा। एक में मैं वार्म अप करा रहा हूं और जो अगली वीडियो होगी उसमें हम एडवांस आसन सीखेंगे। तो वार्म अप भी अति आवश्यक है, इसलिए हम एक एक अंग को, एक एक ऑर्गन्स को भली भांति हम वार्म अप कर लें अच्छे से, तो देखेंगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपने गर्दन को इस प्रकार मूव करना है, श्वास को भरते हुए हम गर्दन को बैंड करेंगे, छोड़ते हुए वापस। अब हम नेक को रोटेट करेंगे, गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे, लगभग 10 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाना है,
देन एंटी क्लॉकवाइज, धीरे धीरे गर्दन को गोल गोल घुमाना है आराम आराम से, बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है, धीरे धीरे आराम आराम से गर्दन को पूरा घुमाना। अब उल्टा घुमाएंगे 8 से 10 बार, सीधा घुमाएं गर्दन को, फिर 8 से 10 बार उल्टा, तो गर्दन का अच्छा हमारा वार्म अप हो जाएगा। कई बार हमारी गर्दन में खिंचाव आ जाता है एडवांस योगा करते समय, तो आप गर्दन का वार्म अप भी अवश्य कर लें, रिलैक्स। तो अभी हमने वार्म अप की, ये लगभग 3 स्टेप हमने शोल्डर के किए थे और गर्दन के 1 2 3 4 हमने स्टेप गर्दन के किए हैं, तो बाकी और भी अंगों का हमने करना। मैं आपको आज बताऊं कि कैसे हम एक एक अंग का वार्म अप करें। अभी हम बैक का भी करेंगे, तो बैक का और लेग्स का और फ्रंट साइड का, तो आपने वार्म अप करना है। आपने क्या करना है, एक पैर को इस प्रकार ओपन कर लेना, एक फोल्ड रहेगा एक ओपन। अब देखिए, नाउ वी मूव अवर हैंड्स फॉरवर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन 1 2 3, तो हम कई डायरेक्शन अपने हैंड्स को मूव करेंगे। फर्स्ट वी मूव ऑन द फ्रंट लाइक दिस, सांस को बढ़ते पीछे जाएंगे छोड़ते हुए आगे, और अपने फॉरहेड को फ्लोर पे टच करने का प्रयास करना लाइक दिस। इस स्टेप को आपने 10 to 20 टाइम करना है। एक एक वार्म अप को आप लगभग 1 से 2 मिनट अवश्य करें, तभी आपका अच्छा वार्म अप होगा। तो इसे आप देख रहे हैं मल्टीपर्पज आपका वार्म अप हो रहा है, आपके लेग्स का भी हो रहा है, स्पाइन का भी हो रहा है, फॉरवर्ड बेंडिंग भी हो रही है, तो आप इस प्रकार वार्म अप कर सकते हैं। इससे आपकी लेग स्ट्रेचिंग भी ओपन होगी, जिन लोगों की स्ट्रेचिंग कम है तो इस प्रकार करेंगे तो देखेंगे आपकी लेग स्ट्रेचिंग भी अच्छी होने लगेगी। ऐसे धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे। अब हमने फ्रंट में किया, अब हम इधर डायरेक्शन में करेंगे लाइक दिस। जब भी आप योग अभ्यास करें कोई जल्दबाजी ना करें, आराम आराम से आपने योग अभ्यास करना है। अगर आप बाकी ही योगा सीखना चाहते हैं तो आप लगभग 2 से 3 घंटा प्रैक्टिस डेली करें, 1 घंटा कम से कम करें, समय हो तो 2-3 घंटे 4 घंटे भी आप डेली प्रैक्टिस करें, तो देखेंगे आप एडवांस योगा करने के लिए तैयार हो जाएंगे और आप अच्छे से एडवांस योगा भी करने लगेंगे। अब हम इधर डायरेक्शन में करेंगे, इधर अपने पैर को पकड़ के और इस प्रकार फॉरहेड को नी से टच करेंगे, सांस को बढ़ते हुए पीछे छोड़ते हुए आगे। जब भी हम कोई भी आसन या व्यायाम करते हैं तो सांस को बढ़ते हुए पीछे जाते हैं छोड़ते हुए आगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बाकी में अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं तो आप डेली कम से कम 1.5 से 1 घंटा वार्म अप करें। जब आप 1.5 घंटा वार्म अप करेंगे तो फिर आप आसनों को अच्छे से कर पाएंगे। अब हम लेग को चेंज कर लेंगे, लेग को चेंज करके फिर से हम फ्रंट में करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, सांस को बढ़ते पीछे छोड़ते आगे। ये पैर को आप जितना खोल सकते हैं उतना खोलें, साइड में रख सकते हैं पूरा, और आगे की ओर अपने चेन को या फॉरहेड को फ्लोर पे या मैट पे टच करने का प्रयास करें लाइक दिस।
अब हम इधर साइड में करेंगे सासको छोटू आलू और अपने फॉरहेड को मैट पे टच करने का प्रयास करें। आप काउंट करके करना चाहें तो 10 to 20 टाइम्स आप आराम योर बॉडी कर सकते हैं। शरीर की चारों साइड आप एक एक अभ्यास को 10 से 20 बार कर सकते हैं। अब हम इधर करेंगे सांस को बढ़ते पीछे छोड़ते हुए आगे और अपने फॉरहेड को नी पे टच करने का प्रयास करें। फिर इसके बाद आप बटरफ्लाई वाली पोजीशन में आए और अपने नी को इस प्रकार मूव करें तो देखेंगे आपके हिप जॉइंट ओपन होने लगेंगे, आपकी लेग स्ट्रेचिंग अच्छी होने लगेगी और आपका एक एक अंग अच्छे से खुलने लगेगा। जो बिगनर्स हैं जिनकी बॉडी में काफी स्टिफनेस है, काफी बॉडी में जकड़न रहती है, तो आप हल्के हल्के वार्म अप से स्टार्ट करके और हार्ड वार्म अप भी अवश्य करें तो देखेंगे आपके सभी अंग भली भांति खुलने लगेंगे। और एक एक अभ्यास को आप मैंने बताया कि 1 मिनट से लेकर 2 मिनट अवश्य करें तभी आपका अच्छे से वार्म अप होगा। जैसे अभी हम बटरफ्लाई कर रहे हैं तो बटरफ्लाई को भी आप कम से कम 1 से 2 मिनट अवश्य करें। स्पाइन को सीधा रखना है बटरफ्लाई करते समय और आंखों को बंद करके भी कर सकते हैं। आप धीरे धीरे अपने पैरों को मूव करते रहें। और हल्का हल्का इनको पुश भी कर सकते हैं नीचे की साइड, ऐसे हैंड से अपने नी को पुश कर सकते हैं नीचे को प्रेस कर तभी अच्छे से टच होंगे। किसी किसी के पैर नीचे ही नहीं जाते तो आप बटरफ्लाई करेंगे धीरे धीरे आपके पैर फ्लैट हो जाएंगे, इस तरह टच हो जाएंगे। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं बटरफ्लाई। फिर क्या करना है, इसी पोजीशन में हम आईपीएल बैंक करेंगे लाइक दिस। ट्वेंटी टाइम करना है, 10 से 20 बार जल्दी करने के अभ्यास को। सांस को बढ़ते पीछे छोड़ते आगे और ये जो वार्म अप मैं आपको करा रहा हूं इससे मोटापा भी कम होता है, फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ती है, आपके शरीर में लचीलापन तो बढ़ेगा ही, साथ ही जहां भी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है वो सभी कम होने लगेगा, आपकी बॉडी स्लिम हो जाएगी। कहीं भी हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट ना हो इसके लिए हम प्रतिदिन 1 घंटा अच्छे से वार्म अप करें, 1 घंटा वर्कआउट करें या डिफरेंट टाइप्स के जो भी आपको अच्छा लगता है योगा में आप आसन करें, व्यायाम करें, सिटअप्स करें, दंड करें, तभी हमारा शरीर बलवान बनेगा, हमारे शरीर में स्फूर्ति आएगी, हमारे शरीर में स्टेबिलिटी आएगी, स्थिरता आएगी। रिलैक्स, ये करने के बाद पैरों को थोड़ा सा आगे रखें, इतना आगे रखने के बाद ये शेप बन जाएगी और फिर आप अपने फॉरहेड को पंजे पे टच करें लाइक दिस।
फिर अपने पैरों को और आगे करके फोरहेड को जमीन पे टच करेंगे फ्लोर पे लाइक दिस। अब हम और स्ट्रेचिंग करेंगे, अपने पैरों को और स्ट्रेच करेंगे, पैरों को दोनों को खोलेंगे। अब यहां पे हम फोर बैंडिंग करेंगे लाइक, तभी हमारी पैरों की स्ट्रेचिंग हो रही है। सांस को बिल्कुल पीछे छोड़ते हुए जितना आप स्टार्टिंग कर इतना कर पाते हैं उतना करते रहे, कोशिश कर पैर आपके जितने खुल सकते हैं उतना खोल के रखना है और धीरे धीरे ऐसे हैंड को मूव करना है आगे के लिए। जब आप डेली 2-4-5 मिनट हर अभ्यास को करेंगे तो देखेंगे आपकी जो भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको चाहिए वो मिल जाएगी, चाहे आपकी लाइव स्ट्रेचिंग हो, बेटर बैंडिंग हो, फॉरवर्ड बैंडिंग हो, ट्विस्टिंग हो, बैलेंसिंग हो। आपका कंप्लीट हो जाएगा जब आपकी स्ट्रेचिंग अच्छी हो जाएगी, फिर आप आराम से इतना घेर सकते हो, पैर भी पकड़ सकते हो। ये हमारा भूमि नमन आसन हो गया, तो इससे हमारी लेग की स्ट्रेचिंग अच्छी हो जाएगी। अब हमने ट्विस्टिंग बढ़ानी है, तो ट्विस्टिंग बढ़ाने के लिए आप इस पोजिशन में है दंडासन में, दोनों हाथ इधर रखें और ऐसे धरती में आपको नमन करें। इसको भी आपने 20-30 बार तक करना है, तो आपकी हर एंगल से बॉडी फ्लेक्सिबल बनेगी। सांस को छोड़ते हुए नीचे रुकेंगे भर के ऊपर, रिलैक्स। तो ये हमारी ट्विस्टिंग होगी। अभी हम साइड बैंडिंग होता है, तो साइड बैंडिंग भी आप कई प्रकार से कर सकते हैं, इस प्रकार पैर खोल के भी कर सकते हैं, पैर पर से पकड़ के वही, इससे आपकी साइड बैंडिंग बढ़ेगी। दोनों साइड करना, इधर भी करना है और इधर भी, आपको पैर को पकड़ के एक पैर इधर से पकड़ेंगे, इधर से नहीं पकड़ना है, बाहर की साइड से पैर को पकड़ेंगे हाथ से, दूसरे हाथ को ऊपर से लाके कान के पास रखेंगे और पंजे को पकड़ के यहाँ पे रोके रखें। अगर आप ज्यादा बैंड नहीं कर पाते इतना कर पाते तो यहीं पे रोके रखें, बाद में इसको इस प्रकार मूव करें तो देखेंगे फिर आपकी साइड बैंडिंग भी अच्छी होगी और आपका हेड आराम से ऐसे टच हो जाएगा। तो धीरे धीरे आप ये बैंडिंग बढ़ा सकते हैं, इधर भी बैंड कर सकते हैं, दोनों साइड आप बैंड करें तभी आपकी साइड बैंडिंग अच्छी होगी। जब आपका हेड या टच हो जाएगा तो आप अपने हेड को जमीन पर टच करने का प्रयास करें लाइक दिस, और इस प्रकार भी कर सकते हैं। ये हाथ को यहां रख के पंजे को पकड़ के ये हेड को जमीन पे टच कर सकते हैं। फिर पैर को चेंज कर लें। अब हम इधर साइड बैंडिंग करेंगे, ये पैर को इधर बाहर से पकड़ना है, ऊपर वाले हाथ से लाके धीरे धीरे पहले इस प्रकार बैंड करें बॉडी को, तो देखेंगे आपकी साइड बैंडिंग अच्छी हो जाएगी और जो एक्स्ट्रा फैट होता है साइड में वो भी कम हो जाएगा।
फिर अपने ये वाले हैंड को यहाँ से हटा के इधर रख लें और ऐसे पैर को पकड़ के टर्न करें लाइक दिस, अपने हेड को टच करने का प्रयास करें। ये करने के बाद आप सीधे बैठ जाए। अब हम करेंगे बैकवर्ड बेंडिंग का वार्म अप। तो बैकवर्ड बेंडिंग आप कई प्रकार से कर सकते हैं, आप चाहें तो सीधे रेड की भी भुजंगासन के द्वारा कर सकते हैं, और देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कआउट फॉर इंप्रूविंग अवर बैकवर्ड बेंडिंग, सो आई विल टीच यू कोबरा पोज बैकवर्ड बेंडिंग। तो अभी हम भुजंगासन करेंगे बैकवर्ड बेंडिंग करने के लिए, दोनों हाथ साइड में रख के सांस को भरती ऊपर छोटी नीचे, पहले आप थोड़ा लेंगे इतना, पूरा नहीं खींचना है, स्टार्टिंग आपने थोड़ा सा इतना करना कि नाभि तक सांस को भरती ऊपर, ये इसको लगभग 50 बार करें। आप कम भी कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार। देखिए मैं आपको इसलिए कम करा रहा हूं क्योंकि इसका जो मोस्ट इफेक्ट आ रहा है वो हमारे लंबर स्पाइन पे आ रहा है, यहाँ पे पीछे की साइड, और यहीं से हमारी बैकवर्ड बेंडिंग इंप्रूव होती है। तो आपने पूरा फोकस यहाँ लंबर स्पाइन पे करना है, जो लोअर बैक है वहां फोकस करना है क्योंकि वो हमारी इंप्रूव हो रही है। तो ऐसे बार बार जब आप ऊपर उठते हैं तो फील करें कि हमारी बैकवर्ड बेंडिंग इंप्रूव हो रही है, ये आपने फील करना है। फिर से करेंगे, पहले आप 30 टाइम हाफ कर लें थोड़ा सा उठ के, और लास्ट 20 टाइम आप पूरा उठ के करें हैंड को स्ट्रेट करके लाइक दिस। तो इस प्रकार आप बैकवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं। ये करने के बाद आप इस प्रकार शशांकासन में आएंगे, इसको हम रैबिट पोज भी कहते हैं। आपने लंबर स्पाइन को ढीला छोड़ के खींचना नहीं है, नॉर्मल ऐसे रोक के रखेंगे, एक मिनट रोक के रखना है। बस फिर आप सीधे बैठ के और रिलैक्स कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको ये विभिन्न प्रकार के कुछ अच्छे वार्म अप कराए। अगर आप इन वार्म अप को करते रहेंगे तो निश्चित आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, गुड स्ट्रेंथ आएगी, बैलेंसिंग आएगी। तो आप अपने आप को हर दिन वर्कआउट के लिए तैयार रखें, हर दिन वर्कआउट करें तो देखेंगे आप एक अच्छे और डिवाइन योगी बन सकते हैं, दिव्य योगी बन सकते हैं। एक अच्छा योग साधक ही एक अच्छा योग शिक्षक बन सकता है, ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है। तो मेरा आपके लिए ये सुझाव है, आपके लिए ये शुभकामना है कि आप अपने जीवन में अच्छे से नियमित योगाभ्यास करें और हर दिन अपने आप को योग के लिए तैयार रखें और अपना आहार अच्छा रखें, संतुलित आहार लें, और जो भी हमारे मिलने वाले हैं उनको भी आप प्रेरित करें तो निश्चित आप स्वयं भी योगी बनेंगे और भी औरों को भी स्वस्थ रख पाएंगे। और जो हमारा सपना है हम सभी का, परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज गुरुदेव का जो सपना है और भी हजारों लोगों का सपना है कि हमारा भारत स्वस्थ हो, समृद्ध हो, शक्तिशाली हो, हम हर क्षेत्र में आगे बढ़े, तो वो जब हम जब ही कर पाएंगे जब हम अपने आप को फिट रखेंगे।
तो इन्हीं विचारों के साथ मैं आज बस आपको ये कहना चाहूंगा, डेली आप नियम से योगाभ्यास कीजिए, और अगर आप मेरे लिए कुछ सेवा चाहते हैं, मेरे से कुछ हेल्प चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ, ऑफलाइन भी कराता हूँ। तो मुझे मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7060218855, 7060218855, इस नंबर पे आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन कॉल नहीं कर सकते। आप मुझे मैसेज करेंगे, आपको निश्चित रिप्लाई मिलेगा, और आपके लिए पुनः शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। इति ओम शांति।